भी मंदिर का संचालन करने वाले श्राइन बोर्ड ने हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल पेश की है। कोरोना संकट के दौर में श्राइन बोर्ड ने न सिर्फ अपने बिल्डिंग को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया, बल्कि उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए उस क्वारंटीन सेंटर में रह रहे 400 मुस्लिमों के लिए रमजान में सहरी और इफ्तार का इंतजाम कर रही है। क्वारंटाइन सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट भी जो हमने दी थी, एक बिल्डिंग है जो कि 600 बेडेड का आशीर्वाद भवन है, तो वहाँ पर जितना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्वारंटाइन किया जाता था वहाँ पर, तो हमने वहाँ फूड की फैसिलिटीज भी अवेलेबल करवाई थी। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से माता वैष्णो देवी मंदिर बंद है और श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए धर्मशाला भी खाली हैं। ऐसे में कोरोना काल में कटरा में मौजूद वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की बिल्डिंग आशीर्वाद भवन को श्राइन बोर्ड ने क्वारंटीन सेंटर बना दिया है। आशीर्वाद भवन में वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को ठहराया जाता था। इस क्वारंटीन सेंटर में करीब 400 मुस्लिमों को क्वारंटीन किया गया है। रमजान के महीने में यहाँ क्वारंटीन मुस्लिम समाज के लोग रोजा रख रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे मुस्लिमों के लिए श्राइन बोर्ड ने विशेष व्यवस्था की है। रोजदारों के लिए विशेष तौर पर सहरी और इफ्तार का इंतजाम किया जाता है। सहरी और इफ्तारी के टाइम के मुताबिक भोजन तैयार किया जा रहा है। जब रमजान शुरू हुआ तो कुछ लोगों की वहाँ से रिक्वेस्ट आई कि यहाँ पर कुछ मुस्लिम आई है तो उनको जो खाने का शेड्यूल है वो उस तरीके से सूट नहीं होता, जिनको थोड़ा सा चेंज किया जाए जैसे अर्ली मॉर्निंग का सहरी और इफ्तार के लिए। फिर हमने उसको जो जितने भी मुस्लिम भाई थे उनके लिए उस तरीके से अकोमोडेट किया कि जिससे सुबह सहरी उपलब्ध आ जाए, शाम को इफ्तार। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाता है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की मेहमान नवाजी से क्वारंटीन सेंटर में रह रहे रोजेदार भी खुश हैं। श्राइन बोर्ड के इस कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है। वैष्णो देवी मंदिर का संचालन करने वाले इस बोर्ड ने अपने इस छोटे से प्रयास से साबित किया है कि भारत खास क्यों है। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। Okay.